क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डो ऐसे बात नहीं करते। क्या भोग रहा है तेरा लंडा आजकल, है ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भग बेंचो तुमको क्या करना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। आई डिड नॉट चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर, एंड नीदर डिड दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी। इट वॉज शव डाउन माई थ्रोट बाई माई टीचर्स वाइल माई हैंड्स वर टाइड टू माई बैक बाई माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स वॉच्ड इन साइलेंस। और इंग्लिश सुनेगा तो मादर चोट तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं, बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियोरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में 1 बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, 1 बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस HR इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन आवर कंट्री। येलो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?